विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली बकायेदार शासकीय विभागों, भवनों और अन्य जगहों की बिजली काटने की कार्रवाई पिछले एक सप्ताह से की जा रही है, जिससे स्ट्रीट लाइट कनेक्शन से लेकर पंप कनेक्शन और अस्पताल भी शामिल हैं। बिल वसूली की इस कार्रवाई में भले ही विभाग सफल साबित हो रहा हो, लेकिन इन सार्वजनिक जगहों की बिजली कटने से आम लोगों को परेशानी हो रही है। लिहाजा जिला कलेक्टर ने बिजली विभाग के अधिकारियों को ऐसी कार्रवाई से पहले अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी वितरण कंपनी के, क्योंकि उनका अपना प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो समय के साथ उनका बिल वगैरह पटाना होगा, और नगर निगम से लेकर के बाकी जितने सरकारी संस्थान हैं, जैसे हॉस्टल है, हॉस्पिटल है, इस तरह का पब्लिक और सेंसिटिव प्लेसेस हैं, वहाँ पर अगर बिजली का कटौती की आवश्यकता पड़ती है तो वो एक तरफ से रिजॉल्व बिना बिजली कटौती हुए होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। तो इसी को लेकर के हम डिस्कस किए हैं, कई राउंड डिस्कस किए हैं, तो कल फाइनली मैंने उसको निर्देश भी दिया है कि अगर ऐसा कुछ बात है तो कलेक्टर के समन्वय के बिना वो कोई बिजली वगैरह ना काटा जाए। पिछले दिनों बिजली विभाग ने नगर निगम के 5 भवनों, स्ट्रीट लाइट सहित 2 अन्य विभागों की बिजली काट दी थी। वहीं जिला अस्पताल को भी बिजली काटने का नोटिस जारी किया गया था। मामले में जिला कलेक्टर ने अब कलेक्शन काटने से पहले जानकारी देने के निर्देश देते हुए थोड़ी राहत दी है। कैमरा पर्सन राकेश साहू और पुष्पंजन कश्यप के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज, बिलासपुर।